हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं बताती हूँ आज मैंने क्या बनाया है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ लाल मिर्च का अचार, जो कि बहुत ही फेमस है और यूपी बिहार का फेमस है। और ये इन विंटर सीजन में ये रेड चिली आती है तो सभी लोग ज़रूर बनाते हैं ये अचार। और ये अचार सालों साल चलता है और जितना पुराना होता है उतना ही टेस्टी होता है, उतने ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको आप 2-3-4 साल तक भी रख के खा सकते हैं, तो बहुत टेस्टी बनता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे बनाया गया है ये। और ये जो है हरा मिर्च का अचार, ये देखिए आप, बहुत अच्छा बना है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, कैसे बनेगा, वो सब मैं आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि मैंने ये पिक से लिया है। तो यहाँ पे ये मसाले हैं, देख सकते हैं आप क्या क्या मसाले मैं बता दूँगी आपको। थोड़ा गला ख़राब है, पता नहीं क्यों बार बार गला ख़राब हो जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मसाले में ये अमचूर पाउडर है, और यहाँ पे ये जो राई होती है उसको पीस के लिया है, एक हल्दी है, और यहाँ पे गरम मसाला है और धनिया पाउडर। ये जो है साइड में आप देख रहे हैं वो अदरक है और लहसुन है। अदरक लहसुन को बारीक अच्छे से कूट लिया है आप देख सकते हैं, और इतने हींग है, हींग जरूर डालना है, नमक है। तो ये सारी सामग्री उसमें हमें चाहिए। तो ये हमने फ़ोटो से वीडियो बनाया है और आपको मैं इसके साथ में बताती जाऊंगी। तो ये इन सब चीज़ों का हमें यूज करना है। तो फ्रेंड्स, मिर्च को हमें क्या करना है, मिर्च को हमें अच्छे से धो लेना है, सुखा लेना है, और हमको एक दिन इसको हल्का से धूप में रख देना है ताकि इसका जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर हो वो निकल जाए। तो उसके बाद हमें इसको क्या करना है कि इसके अंदर बीज होते हैं, उन बीजों को हमको निकाल लेना है और इसे कट नहीं करना है और सीधे सीधे रखना है। आप देख सकते हैं ये कट ऊपर से उसका निकाल के वहाँ से हमको बीज जितने हैं सब निकाल लेना है, और उन बीजों को फेंकना नहीं है। उन बीजों को भी हम यूज करेंगे मसाले के अंदर, तभी उसमें अच्छा रहेगा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे होल कर दिया है इसके अंदर। अब हम मसाला बना के इसके अंदर भर देंगे। जो मसाले हमने लिए थे उनको हमने एक अच्छे से वो कर दिया है, मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम इसको भरेंगे। भरने के लिए हमको यहाँ पे एक पतली सी कुछ लेना पड़ेगा, कोई भी चीज़ पतला सा आप ले सकते हैं, और उससे इसे दबा दबा के हमें भरना पड़ता है, तभी ये अंदर तक खूब अच्छे से मसाला भर जाता है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं और इसमें अच्छे से भर दिया गया है और ये मिर्च का अचार रेडी हो गया है। उसके बाद इसको हमको तेल के अंदर डुबा के एक कांच की बोतल में रखना होता है ताकि हमारा अचार ख़राब नहीं हो, इसको डुबा के ही रखना पड़ता है और तेल में हमेशा डुबा रहना चाहिए ये। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने सारे अचार को तेल के से डुबा दिया है और एकदम अच्छे से हो गया है कि अचार हमारा खाने लायक हो गया है। अब हम इस अचार को खा सकते हैं। किसी पराठे के साथ, दाल चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी ये अचार बनाइए, खाइए और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर